एस लिवलेस एम्फीबियंस आते हैं ऑर्डर पोडा में, ठीक है। अब अगर हमें कि एडेप्टिव रेडिएशंस बताएं कि एम्फीबिया में एडेप्टिव रेडिएशंस, तो इसमें एडेप्टिव रेडिएशन उनके डिफरेंट हैबिटेट्स जो उन्होंने मोड ऑफ इनकी लाइफ है उसके हिसाब से एडेप्टिव रेडिएशंस इनके अदर एडेप्टेशंस हुई, जैसे कि केव ड्वेलिंग हो गया, बरोइंग हो गया, वॉलेंट हो गया, आर्बोरियल हैबिट हो गया, ठीक है। ये सारी जो थी इनकी लाइफ के अकॉर्डिंग जो इनके एडेप्टेशन से जो चेंजेस हैं वो डाइवर्सिफिकेशन है वो सारे एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर आते हैं। जैसे कि एक्वेटिक एडेप्टेशन की बात कहें तो यहाँ पे सेलेमेंडर इन द फ्यू एक्सेप्शन हैव सेकेंडरी रिटर्न टू द वाटर एंड एग्जिबिट इनकी एक्वेटिक एडेप्टेशन क्या क्या हुई। एक्वेटिक एडेप्टेशन के कारण इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, जैसे कि ईल लाइक बॉडीज लाइक पॉइंटेड बॉडी, रिटेन लार्वल गिल फॉर रेस्पायरेशन, डेवलप ब्रैंकियल सर्कुलेशन, डेवलप फिन ऑन द ट्रंक एंड टेल, पॉसेस फीबली ऑसिफाइड स्कल। इसके एग्जांपल्स हैं एम्फ्यूमा, सायरेन, प्रोटियस, नेक्टुरस। एम्फ्यूमा जो है इसकी काफ़ी लार्ज इलांगेटेड बॉडी, बट इसमें जो लेग्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है। सायरेंस की बात है तो दे कैन एग्जिबिट द कम्प्लीट लार्वल कैरेक्टरिस्टिक एंड हैज़ लॉस्ट हाइंड पेयर ऑफ लिम्स ऑल्सो। प्रोटियस बॉडी जो है वो बोट शेप होती है, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं उसमें, और क्यूटेनियस रेस्पायरेशन यानी कि स्किन से जो रेस्पायरेशन होती है। नेक्टुरस ऑल्सो पॉसेसेस एक्सटर्नल गिल्स, ठीक है। तो ये थे सारे एक्वेटिक एडेप्टेशंस और इसमें ये एग्जांपल्स थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। सेकेंड इज अ टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन यानी कि लैंड में, जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रॉग और टोड जो है ये सिंपलेस्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म है जो लैंड में रहते हैं, लेकिन फ्रॉग जो है पार्शियली टेरेस्ट्रियल है। वो सिर्फ लैंड में ही नहीं, जब उसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसको अपनी बॉडी को मॉइस करना होता है तो फिर वो रिटर्न कर जाता है वाटर की तरफ, ठीक है, टू गेट देयर स्किन मॉइस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रॉग क्या है, पार्शियली टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल ये है कि खाली वो लैंड में ही नहीं है, वो वाटर में भी जाता है अपनी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ टोड की बात करें, टोड ऑन द अदर हैंड आर मोर टेरेस्ट्रियल, जो टोड है वो ज़्यादा टेरेस्ट्रियल है क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ड्राई होती है और उसमें काफ़ी बड़े बड़े चपते वॉर्ट लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि अवॉइड करता है एवोपरेशन ऑफ वाटर, जिससे कि वाटर एवोपरेट नहीं होता और इनकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट ही रहती है, ठीक है। तो जो लीपिंग जो जंपिंग जंपिंग जो इनका इनकी जंपिंग के कारण जो जो रिजल्ट आए दैट कैन इंक्लूडेड इनके जो लिम्स हैं वो बढ़ गए, लेंथनिंग ऑफ द हैंड लिम्स, डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल मस्कुलेचर। जितना ज़्यादा ये कूद फाद लीपिंग करेंगे, ठीक है, तो इनका जो मस्कुलेचर है वो भी डेवलप होगा। शॉर्टनिंग ऑफ वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम काफ़ी शॉर्ट हो गया। पॉजिटिवियर पोजिशन ऑफ एसिडोबोलियम द कैविटी विच इज़ प्रेजेंट इन अ पेल्विक रीजन कॉल्ड एसिडोबोलियम, ठीक है, ये भी डेवलपमेंट इसका भी हो। और लंग्स फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है, ये तो था टेरेस्ट्रियल। तो हमने पढ़ी एक्वेटिक एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, देन केव एडेप्टेशन। केव एडेप्टेशन में क्या है, छोटी सी ये गुफा सी बना करके ड्वेल करते हैं एम्फीबियन, तो उसमें प्रोटियस आ गए, टिफ्लोमोल्स आ गए और टिफ्लोट्राइटन आ गए। इन सब ये सारी कॉर्डेट फॉर्म है जिनमें कि टेल प्रेजेंट होती हैं। तो क्या क्या इनके उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस देखने को मिली जब ये केव में रहे, कि इनकी बॉडी जो है इलोंगेटेड हो गई और सिलेंड्रिकल हो गई, क्योंकि अब ये क्योंकि केव में रहते थे तो लिम्स आई इनकी रिड्यूस हो गई और जो एक्सटर्नल गिल इन्होंने रिटेन किए, ठीक है। स्किन इनकी सॉफ्ट या फिर नॉन पिगमेंटेड या फिर बहुत ज़्यादा डार्क पिगमेंटेड, आई तो इनमें रिड्यूस या फिर एब्सेंटी होती है, ठीक है। फिर जो इनकी बरोइंग एडेप्टेशंस आती है, बरोइंग एम्फीबियन जो है इनमें सिसेलियंस आते हैं, ठीक है, सिसेलियंस जो कि लिम्बलेस होते हैं एपोडा के अंदर आते हैं। तो ये लिम्बलेस वॉर्म लाइक एनिमल होते हैं जिनमें एक थायोफिस, यूरिफिस, ये सारे आ जाते हैं, एपोडेंस भी बोलते हैं इन सबको। तो इनकी जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस है, इनकी जो मोड ऑफ लाइफ बरो करके रहने में है, उसके कारण क्या क्या आते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो इलांगेटेड होती है, ठीक है। सिसेलियन है तो इनमें लिम्स एब्सेंट होते हैं यानी कि एपोडा ऑर्डर के अंदर आते हैं। स्कल इनका कॉम्पैक्ट और बोनी होता है, आईज इनकी रिड्यूस होती है एंड कवर्ड अंडर द स्किन एंड फंक्शनलेस, ठीक है।
बरोइंग एन्यूरेंस भी हैं कुछ, जैसे कि कैकोपस सिस्टेमा, ये कॉमन बरोइंग फॉर्म है जो कि साउथ इंडिया में पाई गई, और इसकी इनके जो स्नाउट होती है काफ़ी प्रोजेक्टिंग भी होती है, स्मॉल माउथ होते हैं, शॉर्ट लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो एंकल है उसमें एक ट्यूबरकल होता है जो डिगिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। और इसी तरह से एंजस्टोमा कैरोलियंस जो एक स्पीशीज है, ठीक है, इनमें नैरो माउथ होता है, प्रोट्यूडिंग स्नाउट होता है, हिडन जो ईयर डर्म होते हैं वो छुपे होते हैं, हिडन होते हैं, और जो इनकी फीट और शोल्डर गर्डल है वो मॉडिफाइड हो जाती है डिगिंग के लिए, इसीलिए ये बरोइंग हैबिट इनको मिलती है, ठीक है। उसके कारण इनकी जो फीट है वो काम करते हैं, उनका मॉडिफिकेशन होता है डिगिंग के लिए। वोलेंट एडेप्टेशन से मतलब है कि फ्लाइंग एडेप्टेशन, यानी कि कुछ एम्फीबियंस होते हैं वो उड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि रैकोफोरस हो गया, ठीक है, लेकिन इनकी ट्रू फ्लाइट नहीं होती कि बहुत दूर तक के उड़ते ही नहीं रह सकते, शॉर्ट डिस्टेंस में उड़ते हैं खाली, ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, एक थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए, ठीक है। द डिजिट्स ऑफ फोर लिम्ब एज वेल एज हाइंड लिम्ब आर वेब, जो इनके लिम्ब्स हैं उनमें वेबिंग पाई जाती है, जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता है जाला टाइप की, तो बीच में इनके लिम्ब्स के बीच में वेबिंग होती है। तो दीज स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन मेकिंग, जो कि इनको लॉन्ग लीप्स एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाने के लिए जो पास पास में होता है वो लॉन्ग लीप्स में हेल्प करती है, जंप करने में हेल्प करती है। देन आर्बोरियल अडेप्टेशन, आर्बोरियल का मतलब जो ट्री ड्वेलिंग आपके एम्फीबियंस है जिनमें कि हाइला, फाइलोमेड्यूसा, चिरोमेंटस, रेकोफोरस, ये सारे आ जाते हैं। दीज एग्जिबिट द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, कि उनका जो डेवलपमेंट है एडहेसिव डिस्क का डेवलपमेंट होना, सकिंग डिस्क का उनके डिजिट्स में डेवलपमेंट होना, जिसके कारण वो इजीली जो है ट्री पे चिपक पाए हैं ना, तो ये सारे आर्बोरियल अडेप्टेशन हैं जो, ठीक है, जो उनके डिजिट्स में होती हैं, ठीक है। दूसरा अपोजिबल टो, ठीक है, एक दूसरा लिम्स का एक दूसरे से अपोजिबल दिखना, ठीक है, जिससे जिसके कारण जो है जैसे फाइलोमेडुसा है उसका इनर फिंगर और जो इनर टो है वो एक दूसरे के अपोजिबल है, बिल्कुल ऐसे कि वो चीज़ों को ट्री में आराम से अपनी ग्रिप बना पाए। तो ये तो था सारा जो एडेप्टिव रेडिएशन था, ठीक है, और ये आपको ओरिजिन पढ़ाया, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया एंड ये एडेप्टिव रेडिएशन, ये कंप्लीट है, ठीक है।